Hey guys, a very warm welcome to the 6th session of NCRT Solutions for our chapter The Rise of Fascism in Europe. I'm Ankana, your master teacher for social sciences at Vidantu, hoping all of my dear students are doing absolutely fine and amazing. So, bacha log aaj hum karne wale NCRT solutions for the questions given on page number 28, textual exercise, write and brief question number 1 ka D and E, and question number 2. ठीक है उसके पहले अ क्विक रिमाइंडर अबाउट दू प्रो सब्सक्रिप्शन वी गेट अनलिमिटेड क्लासेस हाई हाई एंड एंड फन लेवल क्विजेस जहां पे हमें कंपीट करने का मौका मिलता है विद स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एट द सेम टाइम इंटर रीप्लेस विद लाइफ क्विजेस एंड लीडर बोर्ड प्रीमियम डाउनलोडेबल कॉन्टेंट विथ हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स In class doubt solving, both class teachers and master teachers making a sure, you know, assuring that you are getting your doubts resolved. And quality tests and assignments with all the micro sessions and crash courses absolutely free for you people. How awesome is that? So, this is gonna make us avail everything. Okay? Less is more. Paying lesser price will give you more number of classes where the link is given in the description box it is also pinned in the comment section but the good news is which i have brought for you guys is that we have 50% up you know 50% off up to 2000 rupees 50% tak off mil jayega apko 2000 क्रिसमस सेल है से लेकर के ट्वेंटी सेवन तक तो ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा एंड यू एक्चुअली डू द कैलकुलेशन यू विल सी दैट द कॉस्ट इज गोइंग टू कम वेरी वेरी लेस ये देखो टू वन फाइव नाइन का प्लान इज गोइंग टू कम ओनली फॉर वन थ्री फोर नाइन एंड दिस विल कम ओनली फॉर फोर ट्रिपल नाइन तीन महीने का प्लान सिर्फ फोर ट्रिपल नाइन में गाइज

इन uh, कहा फ्रैंकफर्ट जैसा कि नाम में लिखा हुआ है फ्रैंकफर्ट में हुआ था ठीक है कब मे एटीन को किया गया था नाइन एटीन फोर्टी एट में ठीक है क्यों भाई uh, किन्होंने किया था क्या पर्पस था सो so, ये एक्चुअली सबसे पहला असेंबली था जर्मन लिबरल्स के लिए और मेंबर्स इसके डायरेक्टली इलेक्टेड थे मेंबर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड इलेक्टेड बाय मैनहुड सफरेज उस टाइम यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइज नहीं था यूनिवर्सल सफरेज नहीं था सो so इसी के थ्रू किया गया था इन्होंने एक फेडरल जो है इन्होंने एक जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉप्ट कर लिया था ठीक है मार्च आपका 1849 में ठीक है इसके बाद प्रॉब्लम ये हुई थी बिकॉज दैट अलॉर ऑफ मिडल क्लास पीपल वर अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज ऑफ विच इट वॉज नॉट रियली यू नो एक्सेप्टेड एंड दे हैड टू डिसबैंड तो अल्टीमेटली जो है थर्टी फर्स्ट मे एटीन फोर्टी नाइन को दे हैड टू कम टू एन एंड So let's quickly look at our answers it was convened at frankfurt on may 18 1848 as a result of the liberal revolution it was called by the preliminary assembly sorry uh, by the preliminary assembly of german liberals in march 1848 and its members were elected by direct manhood suffrage very important point

तो ये देखो, ये देखो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा था ये भी पता चल गया हाउ एवर इट फेस्ट अपोजिशन फ्रॉम द एरेस्ट्रोक्रेसी एंड मिलिट्री दोनों ही एरेस्टोक्रेट ने भी जो नोबल लोग थे बड़े लोग थे उन्होंने भी और मिलिट्री ने भी आर्मी ने भी अपोज किया क्यों क्योंकि मिडिल क्लास बहुत ज्यादा डोमिनेट करती थी और जो है सपोर्ट खो दिया एंड अल्टीमेट इट टू वोजैंड ऑन थर्टी फर्स्ट मे एटीन फोर्टी नाइन वे दिसक्स क्वेश्चन राइट अन द रोल ऑफ वैशनल स्ट्रगल देखिए एक सिंपल सी बात है विमेन वर नॉट गिवेन वर नॉट गिवेन इक्वल स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी तो इन्होंने सोचा कि भाई हमारी फाइट तो जो है एडल्टुड फ्रेंचाइज के लिए चलती रहेगी इक्वल सफरेज के लिए चलती रहेगी वोटिंग के लिए एट द सेम टाइम दे दे रियलाइज दैट विल हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव पॉलिटिकली तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थे और कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए थे इन्होंने नेशनलिस्ट क्लब्स पॉलिटिकल क्लब्स इन सब चीजों में पार्टिसिपेशन ले रही थी हाउ एव इट वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल दो सौ साल तक दे हैड टू स्ट्रगल एंड फाइनली जो है नाइनटीन फोर्टी सिक्स में जा आ करके फ्रांस में मिला था और बाकी दुनिया में धीरे-धीरे धीरे-धीरे जो है उन्हें वोट करने का हक मिलता गया इनफैक्ट ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं इन्होंने भी जो है वुमेन को पैसिव सिटीजन की तरह ऑब्जर्व किया था यानी कि दे वर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग दे वर कंसीडर्ड एज़ सिटीजंस बट पैसिव सिटीजंस हु वर जस्ट गोइंग टू बी देयर एंड ऑब्जर्व तो ये रोल था और यही हालत थी

एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज पेपर मैगजीन एवरीथिंग दे वॉर टेकिंग पार्ट इन डिस्पाइड दिसम सफरेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली जो मैंने आपको बताया इसलिए हम इसे मैनहुड सफरेज बोल रहे हैं ठीक है फॉर इंस्टेंस द फ्रेंकफर्ड Parliament convened in Church of St. Paul, women are admitted only as observers to stand in the visitors' gallery as in passive citizens. Passively unit treat kya active participation unka nahi ho raha tha. Moving on to the next question. Question number two of your textual exercise page number twenty eight. ट स्टेप डिट द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी स्टेक टू क्रिएट अस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल फ्रेंच लोगों के बीच में देखो सबसे पहले तो फ्लैग आया था उनका जो है ट्राई कलर फ्लैग था उसके बाद कॉन्सेप्ट आया फादर एंड ला पैट्री एंड ली सिटो का है ना यानी कि सब जो है बच्चे हैं फादरलैंड एंड सिटीजन फादरलैंड एंड सिटीजन ताकि लोग रिलेट कर सके जैसे ये हमारा मदरलैंड इंडिया को हम मानते हैं तो फादरलैंड uh, और उसके बच्चे सिटीजन की बात हुई ठीक है उसके साथ कई सारे हाइम्स सॉन्ग यू नो ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ग्लोरिफिकेशन ऑफ देयर हिस्ट्री कल्चर उसके बाद लैंग्वेज पे बहुत एम्फोसाइज किया गया बोला गया कि भाई सब जो है फ्रेंच ही बोलेंगे क्योंकि वही हमें यूनिफाई करेगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन की तरह यूज किया गया था उसके बाद एलेगरीज भी थी एलेगरी क्या होती है भाई तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन फॉर्म हमें पता है कि एलेगरी भी थी ठीक है जर्मनी के लिए जर्मेनिया थी यहाँ पे मार्वेन थी हर एक तरह की जैसे हमारे यहाँ भारत माता थी ऐसे ऐसे एलेगरीज भी बनाए गए थे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको यूज करके लोगों को साथ में बाइंड किया गया था ठीक है So, the French Revolutionary introduced various measures and practices to create a sense of collective identity among the French people. The, uh, the idea of La Patrie, the fatherland, and the Les Citoyen, uh, Citoyen emphasized uh, the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. A new flag, a tricolor, was chosen to replace the former royal, formal royal standard. Jo pehle hua स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली ने वापस से एक जो है स्टेब्लिश किया गया था लोगों ने सिलेक्ट किया था लोगों ने इलेक्ट किया था हाइम्स बनाए गए थे ओथ्स दिए जा रहे थे मार्टस वर्कमोरेटेड

Regional dialects were discouraged and French became a common language of the nation. Ye ek very important point hai and with this we are done with today's session. I hope you liked the session. Do tell me in the comment section Kesa Laga. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन अभी और भी सोल्यूशन लेकर हम आने वाले एनसीआरटी के आपके बाकी क्वेश्चन के लिए फॉर द सेम चैप्टर सो स्टेड सो मेक श्योर दट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए लाइक करना वह ढूंढना डू टेलम तो कॉमेंट सेक्शन कैसा लगा वीडियो एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज दे वुड ऑल्सो नीड द हेल्प ऑफ दीज वीडियोज राइट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन है ग्रेट इवनिंगम एंड स्टे से